खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फर्स्ट एक अभियान जिला में चलाया जा रहा है, जिसमें जहां एक ओर खाद्य कारोबारियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि उनके ग्राहकों के प्रति क्या दायित्व हैं और उन्हें किस तरह का भोजन या खाद्य सामग्री अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवानी है। खाद्य सामग्री परोसते समय उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, ये भी जानकारियां विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में कारोबारियों और कर्मचारियों को दी जा रही हैं। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त एलडी ठाकुर ने मीडिया को दी। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि फर्स्ट एड अभियान के तहत 120 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं मिड डे मील वर्कर जैसे कुक और हेल्पर हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें करीबन 200 कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाएगा, ताकि वे जब भी बच्चों को खाना परोसे तो वे स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक हो। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर ना पड़े। भोजन बनाते और परोसते समय उन्हें क्या सावधानियां रखनी है, इस बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जो फास्टैग की ट्रेनिंग है, फास्टैग की ट्रेनिंग में हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स के बैच वाइज ट्रेनिंग कर दी, तो उसमें 120 आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेन कर दिया है। साथ ही मिड डे मील वर्कर जो कुक और हेल्पर हैं, उनकी ट्रेनिंग कल और परसों, तो 200 कुक और हेल्पर की ऑनलाइन ट्रेनिंग 2 दिनों में हो जाएगी। साथ ही हमने भोग सर्टिफिकेशन के लिए डेरा बाबा जवाहर सिंह जी हरिपुर में जो गुरुद्वारा है, वहाँ के वर्कर को फास्टैग में ट्रेन कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उस गुरुद्वारे का प्री ऑडिट भी कर लिया। अब उसमें जो गैप्स थे वो उनको बता दिए और नेक्स्ट वीक तक वो गैप पूरे होके हम उसका फाइनल ऑडिट करवा के वो गुरुद्वारा भी भोग सर्टिफाइड हो जाएगा।